Assalamu alaikum, welcome to the 18th video of Microsoft Word, the easiest, smartest and free way to learn. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डिज़ाइन टैब को यूज़ कर सकते हैं. इस डिज़ाइन टैब बेसिकली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टैब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट तरह की थीम्स को एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं. तो यहाँ पर मेरे पास मुझे कुछ रैंडम पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत है, इक्वल्स टू आर ए एन डी. मैं अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट दे देता हूँ एंड इसको एक से दो बार कॉपी कर लेते हैं. इस डिज़ाइन टैब में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास गिनती के दो सेक्शंस मौजूद हैं. एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आ रहा है, एक पेज बैकग्राउंड आ रहा है. सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है डैट इज़ वाटर मार्क. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में अपना कॉपीराइट लगाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे कोई कॉपी ना करे, तो उसके लिए आप यहाँ पर वाटर मार्क यूज़ कर सकते हैं. कॉन्फिडेंशियल एक बनाया आया है, डू नॉट कॉपी आया है, या फिर अगर आपका कोई इदारा है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी का नाम है, उसका नाम लिखना चाहते हैं, तो आप यहां पर कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद आप यहां पर टेक्स्ट वाटरमार्क पे जाएंगे एंड यहां पर आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, एबीसी कंपनी, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम है. उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि इसका लेआउट कैसा होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल. हमारे पास बाय डिफॉल्ट डायगोनल ही होता है एंड डायगोनल ही ज़्यादा बेहतर लग रहा होता है. वो बिल्कुल बॉटम लेफ्ट से आपको टॉप राइट तक नज़र आ रहा होता है. अगर आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो बिल्कुल मिड में सीधा लिखा हुआ नज़र आएगा. यहाँ पर मैं डायगोनल करता हूँ, अप्लाई करता हूँ एंड ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट के पीछे लिखा हुआ आ रहा है एबीसी कंपनी. मैं दूसरे पेज से भी आपको दिखा देता हूँ, बेहतर तरीके से आपको नजर आ जाएगा एबीसी कंपनी. ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से वाटरमार्क लिखा हुआ आ रहा है. अगर आप चाहते हैं कि इस वाटरमार्क की जगह पर आपने कोई पिक्चर आपको चाहिए, तो पिक्चर वाटरमार्क पर जाकर आप यहाँ पर सेलेक्ट पिक्चर लिख सकते हैं एंड वर्क ऑफलाइन. आपका कोई लोगो बना हुआ है कंपनी का, तो उस लोगो को आप अपने पास यूज़ कर सकते हैं, उस पिक्चर को आप बैकग्राउंड पर रख सकते हैं. जैसे कि मैं कहता हूं कि यहाँ पर इस पिक्चर को मैं अपने वाटरमार्क के फॉर्म में रखना चाह रहा हूँ, वॉशआउट की तरह आपको पिक्चर नज़र आएगी. तो ये आपको एक वाटरमार्क की फॉर्म में पिक्चर पीछे नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द पिक्चर. ऑलराइट, तो ये आपके पास ऑप्शन था वाटरमार्क का. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर ही इसके नीचे आपके पास ऑप्शन मौजूद है रिमूव. अगर आपने वाटरमार्क को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपने क्लिक करना है, आपका वाटरमार्क पीछे से बैकग्राउंड से रिमूव हो जाएगा. और राइट, इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है पेज कलर का. अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को पेज कलर दे सकते हैं. मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं पेज को देने के लिए. यहाँ से मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ, ये कलर चूज़ कर लिया है. और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर अगर आपको और कलर्स चाहिए तो यहाँ पर मोर कलर्स पर जाकर आप डिफरेंट कलर्स अपने पेज के सेट कर सकते हैं. अगर आपने कलर प्रिंट आउट निकालना है तो वो आपको ऑप्शन यहाँ से मिलेगा कि आप यहाँ से अपने पेज को कलर दे सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फिल इफेक्ट्स का ऑप्शन मौजूद है. अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक या एक से ज़्यादा कलर के साथ ही इफेक्ट देना चाह रहे हैं अपने पेज को, तो आप दे सकते हैं. मैं इसको ओके करता हूँ. ये डॉक्यूमेंट देखिए, मेरा इफेक्ट्स के साथ इसका बैकग्राउंड कलर आ गया है. ऑलराइट, तो यहाँ पर अब मैं एक छोटी सी हेडिंग दे रहा हूँ. मैं कहता हूँ कि हेडिंग वन मैं इसे बनाना चाह रहा हूँ एंड हेडिंग टू मैं इसे बनाना चाह रहा हूँ. एंड यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर एक इंसर्ट शेप क्रिएट करना चाह रहा हूँ, दैट इज दिस. इस शेप को क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर इस शेप के कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ अपने हिसाब से, जो इसका फिल कलर है, इसके फिल कलर को मैंने अपने हिसाब से चेंज कर दिया है. एंड ये हेडिंग वन को हेडिंग की फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ. हेडिंग वन पे क्लिक किया, इसको मिड कर दिया है एंड इस हेडिंग के कलर को मैं चेंज कर रहा हूँ, जो मैंने रेड कर दिया है. हेडिंग टू पे मैंने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद हेडिंग टू पे क्लिक किया एंड मैंने इसको बिल्कुल एक्सट्रीम लाइट राइट अलाइनमेंट दे दी है. एंड इसके कलर को भी मैं चेंज कर रहा हूँ आपके सामने, इसके कलर को मैंने चेंज किया है. तो ये मैंने आपके सामने अलग अलग फॉर्मेटिंग क्यों इस्तेमाल की, ताकि आपको बता सकूँ कि हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइन के ऑप्शन में थीम का ऑप्शन भी मौजूद है. इस थीम के ऑप्शन के थ्रू आपके पास देखें कि अलग अलग मेरे फॉन्ट्स के स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं एंड साथ ही मेरे पास कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज हो रहा है. तो आप डायरेक्टली यहां से कंप्लीट अपने पेज की कोई थीम चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो. ऑलराइट, इसके अलावा आपके पास यहां पर भी कुछ बिल्ट इन थीम्स वगैरह मौजूद हैं. आप यहां से अपनी थीम को चूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं.
इस डॉक्यूमेंट की, मैं कहता हूँ इस तरीके से मेरे पास जो है वो इस डॉक्यूमेंट की थीम आनी चाहिए, तो वो इस तरीके से आ सकती है। यहाँ पर आपके पास कलर कॉम्बिनेशन मौजूद हैं कि आपके पास जो भी टेक्स्ट के कलर लिखे हुए हैं, जो भी आपके पास बैकग्राउंड कलर आ रहे हैं उसके कलर कॉम्बिनेशन को आप कैसा रखना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ इस तरीके से रखना चाह रहा हूँ। फॉन्ट कॉम्बिनेशन आपने कौन सा इस्तेमाल करना है तमाम डॉक्यूमेंट में, आप वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। चेंज कर दिया, ओके। पैराग्राफ स्पेसिंग आपके पास यहाँ पर आपस में पैराग्राफ की कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए, वन होनी चाहिए या फिर कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ डबल पैराग्राफ की स्पेसिंग हो जाए बहुत ज़्यादा, इस तरीके से मेरे पास पैराग्राफ की स्पेसिंग आपको भी नज़र आ रही होगी। एंड यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है इफेक्ट का, इस इफेक्ट के ऑप्शन में आपको बता रहा है कि ये थीम इफेक्ट है बेसिकली, ये आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा होता है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैं इफेक्ट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपने पास एक इंसर्ट कर लेता हूँ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के लिए मैं यहाँ पर एक प्रोसेस वाला आर्ट ले लेता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड इसके थीम को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, मैं डिज़ाइन पे गया था, डिज़ाइन पे जाने के बाद हमने यहाँ पर इफेक्ट देखा, इफेक्ट हम यहाँ से कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इस ऑब्जेक्ट का इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, जैसे कि एक्सट्रीम शेडो, इसके पीछे शेडो आ रहा है एंड अलग अलग इसके अंदर इफेक्ट्स जो है मेरे पास चेंज हो रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास इफेक्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा होता है, आपकी राइटिंग के ऊपर, आपके फॉन्ट्स के ऊपर। यहाँ पे कलर आपके पास मौजूद है, आपके पास फॉन्ट मौजूद है, पैराग्राफ स्पेसिंग मौजूद है। मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी मैंने इसमें चेंजेस की हैं वो सेटस डिफॉल्ट हो जाए, सेटस डिफॉल्ट कर दिया है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसका प्रॉम्प्टली रिप्लाई करूँ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।